यंत्र रखे हुए हैं और उनको पता भी नहीं है कि यंत्रों की विधि कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, उनका लाभ कैसे लेना है। आपके घर में सब कुछ है पर आप चलाना ही नहीं जानते उस शक्ति को, तो कैसे फल मिलेगा। यंत्र दोस्तों देवता का निवास स्थान है, यंत्र देवता के परिवार समूह का निवास स्थान है। वो यंत्र में जितने भी केंद्र बिंदु त्रिकोण बने हुए हैं वो सब अलग अलग शक्तियों का पुंज है। जैसे जैसे यंत्र की स्थापना हो जाती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वैसे वैसे ही यंत्र से जो रेजेज निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, वो आपको, आपके कार्यस्थल को, आपके बिजनेस को प्रभावित करने लगती हैं। उसके प्रभाव से आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें एक अलग तरह की चमक आ जाती है। जो व्यक्ति आपसे मिलता है, कार्य संबंधी आपसे मीटिंग करता है, या उस संस्थान में आपके दुकान पे, आपके स्टोर पे, आपके मोटर पे, आपके होटल पे कोई व्यक्ति आता है, उसको एक अलग बात ही महसूस होती है। इसके लिए कुछ लोग पूछते हैं कि यंत्र की स्थापना घर में करें या कार्यस्थल में करें। अगर आपके कार्य का स्थान एक है तो फिर आप घर में ही करें, एक से ज़्यादा हैं तो फिर सभी जगह पे करें। जैसे आपने एक बार यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर ली, स्थापना कर ली, 3 साल बाद 5 साल बाद पुनः उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, पुनः उसकी पूजा करनी चाहिए। आप देखिए कि यंत्र ऊर्जा है, शक्ति का पुंज है। जो लाइट है, लाइट चल रही है, तो आपको कहूँ मैं कि आप लाइट को कैसे इकट्ठा करोगे, इस बिजली की शक्ति को कैसे आप इकट्ठा रख पाओगे, कोई साधन नहीं है। अगर लाइट बंद हो गई तो जो शक्ति आ रही है ये भी बंद हो गई। आप मंत्रों की शक्ति को कैसे ग्रहण करके रखें? आपने किसी सिद्ध पुरुष से, किसी आध्यात्मिक पुरुष से इसकी जो स्थापना की है यंत्र की, उसने शक्ति दे दी इसमें, मंत्र के द्वारा मिली, कर्मकांड से मिली, तो शक्ति को रखा कैसे जाए, जैसे बिजली की एनर्जी है कैसे रखा जाए, कोई साधन नहीं है दोस्तों। पर फिर भी जो बैटरी है, जो सेल हैं आप डालते हो, जो बैटरी है वो शक्ति को एकाग्र करके रखती है। उसमें आप सेल फोन में, मोबाइल फोन में बैटरी डाल देते हो, फोन चलने लगता है, तो चलते चलते बैटरी खत्म हो गई, फोन डेड हो गया। तो ऐसे ही आपके यंत्र की स्थापना कर दी और शक्ति चली गई तो यंत्र भी डेड हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रतिदिन यंत्र भगवान की पूजा करनी है। अगर आप पूजा करते रहेंगे तो यंत्र की शक्ति रिचार्ज होती रहेगी। इससे आप आसानी से समझ गए होंगे